teachers say repeat after me, 2 ones are 2, 2 twos are 4, the children used to do that. But did they understand what is the concept of 2 plus 2? It becomes 4. 2 plus 2 plus 2 becomes 6. This is the concept. What they are doing in that time? They are rote counting. वो खाली हमारी नकल करते हैं, हमारे साथ बोलते हैं. वो उसका कंसेप्ट किसी किसी को याद रह जाता है. वो अपने आप उसमें सर्वे करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो दे क्रिएट एन इंटरेस्ट फॉर दैट. बट मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर मैथ्स फोबिया. उन्हें एक मैथ्स फोबिया आ जाता है. दे आर जस्ट अवॉइडिंग दैट सब्जेक्ट. आज भी ऐसे, टुडे ऑल्सो देर आर सो मैनी चिल्ड्रन, those who avoid maths because they don't understand. Why didn't they understand maths? Maths is a difficult thing and it's not a difficult subject. Why you don't understand maths? Why it becomes so phobiatic? Maths is the best interesting subject and apart from any of these other subjects. हम लोग मैथ्स को इतना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं कि बच्चे हमसे ज़्यादा सीख लेते हैं, राइट? तो टू डेवलपमेंट डोमेन्स आई हैव ऑलरेडी टॉट यू. विच वॉज द फर्स्ट वन? पहला वाला डेवलपमेंट डोमेन कौन सा था? फिजिकल डेवलपमेंट, राइट? सेकेंड वन वॉज language development. That also enough of things I have taught you. Now the third development domain is cognitive development. What do you mean by cognitive? Can anybody tell me what do you mean by cognitive? Nobody? Okay. Cognitive is brain development, where your brain cells multiply. जहाँ आपका brain use होता है और जो use करके आपको कुछ innovative या concept clear होता है, right? That is called cognitive development. तो हमारे milestone या report card में क्या होना चाहिए? एक तो physical development, height, weight, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर कितने डेवलप हुए. क्योंकि बच्चा अगर आएगा तो उसका हाइट थोड़ा सा डेवलप होता है. ईटिंग हैबिट्स अच्छी, क्योंकि स्कूल में कोई फेवरिज्म नहीं होता है. फ्रूट्स हम खिलाते हैं, ड्राई फ्रूट्स हम खिलाते हैं और पराठा सब्जी आजकल का ट्रेंड हो गया है कि इट्स वेरी हेल्दी एंड हाइजीनिक. द कोर्सेज वी टेल पेरेंट्स टू सेंड टू द टमी टाइम, राइट? सो दैट इज द अगेन अ माइलस्टोन विच वी right in the milestone. That is again comes in the category of physical development. After that was the next language development. Language development is taken care of developing their ABCs. उसका हम proper ध्यान रख रहे हैं कि कहाँ उनको ABC कैसे develop करवाना है, what are the techniques, how will we motivate or drag them from read this identifying the letters to reading. कहाँ पे उनका हैबिट डेवलप इनकल्केट करना है उनकी रीडिंग हैबिट्स में, राइट? बाय गिविंग देम द प्रैक्टिसेस ऑफ साइट वर्ड्स एंड एवरीथिंग, राइट? द नेक्स्ट वन इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट. कोई छोटी सी चीज हम करते हैं उसमें हम ब्रेन का यूज करते हैं. लाइक आई गिव यू द एक्टिविटी ऑफ असाइनिंग एन एडजेक्टिव अलॉन्ग विथ योर नेम. तो है ना, बहुत सारे जो थे उन्होंने डायरेक्टली एक एडजेक्टिव लिया और अपने नेम के साथ ज्वाइन कर लिया, राइट? व्हाट आई डिड फॉर हर वाज प्रिटी पूनम. व्हाट आई डिड एक्स्ट्रा इन दिस
pretty Poonam. Extra kya kiya maine isme? मैंने भी एक एडजेक्टिव दिया उनके नाम के साथ उनको अटैच करके दिया. व्हाट वाज द एक्स्ट्रा थिंग आई गेव इट टू हर? देयर वाज समथिंग एक्स्ट्रा आई गेव इट टू हर एंड व्हाट वाज दैट? सॉरी, एग्जैक्टली, यस, अंडरस्टूड. एडजेक्टिव व्हाट साइन विथ हर नेम वाज आल्सो स्टार्टिंग विथ पी. Her name started with P and adjective assigned to her was also starting with P. That is double P. So, this extra innovation I had put in. So, that extra factor, wow factor you have to put in your child. Choti choti techniques, mein aap apna involvement kitna dete hain. If you give 10%, you get 80%. जब हम 10% इन्वॉल्व होते हैं, when we are passionate, the children automatically get first passionate. Now, why is math so boring? Because we have been doing the road counting, mugging up कर वाला system चल रहा था अभी तक, और अभी concept थोड़ा सा change हो रहा है. We give them the abacus board. Have you seen the abacus board? Beads counting. Abacus में जितना काउंटिंग फास्ट या वैदिक मैथ्स में जितना काउंटिंग बच्चे फास्ट करते हैं वो नॉर्मल क्लासरूम में क्यों नहीं कर सकते? व्हाई कैन नॉट दे डू इन द क्लासरूम? व्हाई इज अबैकस सो वेरी मच पॉपुलर दीज डेज? हर स्कूल में जाने के बाद भी बच्चे को अबैकस में पेरेंट्स क्यों डाल रहे हैं? Can anybody tell me? You must be having your children, right? आप लोग ने भी सुना होगा अबाकस के बारे में, वैदिक मैथ्स के बारे में. Why is it so? कि वो डालने की ज़रूरत पड़ती है. हाँ, exactly. The calculation is faster. They give the technique how to calculate, how to add, how to deduct, how to multiply, how to divide, right? That is also verbally. Through the use of your brains. So that is the kind of cognitive development you have to inculcate in your student. That is the third domain of your milestone, of your report card. So what are the activities you can add for this cognitive development? दोनों में कंसेप्ट है. क्या कंसेप्ट है?
1 plus 1, 1 is added to 1, it becomes 2. And 1 and 1, 1 and 1, it's not added, it's 1 and 1. So, beech mein jo what the wo mathematical apparatus bol sakte hum isko, ya mathematical signs bol sakte hum. Addition ka sign or and ka sign. The concept is very easy. 1 adds to 1 becomes 2. But 1 and 1 makes 11. I'll again show a small video for this. You have to explain me this video. Last video to share, maine explain kar diya ya aapko samajh mein aayi. Ye explain kaun karta hai mujhe batao. Oh, hi, Daddy. Come on in. Looks like you're having some trouble with addition. And don't be upset. You're here to learn. And we learn from mistakes. Everybody makes mistakes. Nuh-uh. Look at this question here. What is 2 plus 2? See, you wrote 22. But when we do addition, we don't just put the numbers next to each other. That's stupid. All right, I think about it this way. If I have two markers in this hand, and then I add the two markers from this hand, how many markers do I have now? 22. No, Danny, it's 4. We're Danny's parents. Oh, yes, hello. Oh, please, please come in. Now, don't worry. It is completely normal for kids to get frustrated when they're struggling with a subject. So, what's this about Danny getting some answers wrong on the so-called test of yours? We had a test. One of the questions was, what is 2 plus 2? Danny answered 22. And that's not the right answer. Says who? Says math. Are you calling my son stupid? No, of course